खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां पर किश्ता कोतवाली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने यह बताया कि पुलिस को गौ तस्करी में शामिल तस्लीम कुरैशी को किच्छा की बाइक पर कट्टा बांधकर तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय होकर उसके पीछे लग गई और इसी बीच जब पुलिस ने बाइक सवार तस्लीम को रोकने का प्रयास किया तो वो अपनी बाइक छोड़कर जंगल की तरफ भाग निकला और पुलिस को आता देखकर उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके चलते तस्लीम कुरैशी पैर से गोली लगने से घायल हो गया। बता दें साथ ही जो तस्कर के कब्जे से पुलिस ने यहां पर अवैध असलाह भी बरामद किया है और उसके आगे एसएसपी ने यह बताया है कि अपराध करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की खास रिपोर्ट। आज सुबह किच्छा थाने में यह सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाने के कुरैशी मोहल्ले में एक व्यक्ति गौ तस्करी का कार्य कर रहा है। उस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा पुलिस ने उसका पीछा किया, वह मोटरसाइकिल लेके कलकत्ता फॉर्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया, जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया जिसमें उसे गोली लगी। अस्पताल ले आने पर पूछताछ की गई, जिसने बताया कि उसका नाम तस्लीम कुरैशी है और उसके पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं।